नमस्कार। आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इक्विटी थ्योरी, हिस्सेदारी। जी हाँ, हम इतिहास के क्लास में नहीं जा रहे हैं, हम सामान्य लोगों से जुड़े इस नियम पर बात कर रहे हैं। एक न्यूज आई थी, पेपर में एक खबर छपी थी, तो उससे संदर्भ में मैंने कहा बात करते हैं। इक्विटी थ्योरी एम्स टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन एन एम्प्लॉयज इनपुट एंड आउटपुट इन ए वर्क प्लेस। इसका उद्देश्य कार्यस्थल में कर्मचारियों के इनपुट और आउटपुट के बीच संतुलन बनाना है। ये कहानी क्या है? कहानी सीधी सी बात इस बात की है कि पिछले कुछ वर्षों में प्राइस हाइक को कम करने के लिए, खर्चों को कम करने के लिए हर जगह से नौकरी से लोगों को निकाला जा रहा है, कम किया जा रहा है। उस संदर्भ में इसकी बात हो रही है। इसका कहीं से भी प्राइवेटाइजेशन से इसका कहीं कोई संबंध नहीं है। मैं खुद प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि सरकारी कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट हो, ना कि सरकार में ज्यादा से ज्यादा काम हो। मैं खुद एक एनजीओ में काम करता हूँ और मैंने देखा है सरकार काम करने का तरीका क्या है। जो कार्य प्राइवेट क्षेत्र में होता है उसका 10वां प्रतिशत कार्य सरकारी क्षेत्र में होता है, चाहे देश के कोई भी कोना हो। 90% सरकारी कर्मचारी काम बस लोग करते हैं। खैर, हमारा विषय ये नहीं है। हमारा ना तो सरकारी कर्मचारियों से मतलब है इस मुद्दे पे, ना हमारा प्राइवेट क्षेत्र से है। हमारा देश है इक्विटी थ्योरी। वर्कर्स और एम्प्लॉयज के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे कि अल्टीमेट आउटपुट ज्यादा निकल सके। जैसा पेपर में छपा है, जिन कंपनियों में वर्करों को अच्छा वेतन, उनका बिजनेस भी अच्छा। जी हाँ, ये साधारण सी बात है। अभी तक ये बातें किताबों में लिखी होती थी, मैनेजमेंट में लिखा होता था, आचार्य चाणक्य बोलते थे, लेकिन सरकार ने और कंपनियों ने इसे नहीं माना। अब जो नए रिसर्च आ रहे हैं उसमें ये बातें सही साबित हो रही हैं। आइए हम तुलना करते हैं, इनपुट और आउटपुट की तुलना। समानता की भावना, असमानता की भावना, असमानता, क्रोध, निराशा, असंतोष जैसी भावनाएं कैसे पैदा होती है? एडम्स का सिद्धांत है कि व्यक्ति इनपुट और आउटपुट के बीच उचित संबंध चाहते हैं। उसका मतलब है कि जो लाभ उनके द्वारा इनपुट के रूप में दिया गया है वह उनको अच्छा मिले। सीधा सा उसका साधारण ये कि वह चाहते हैं कि जितना उन्होंने काम किया है उसका एक अच्छा तनख्वाह के रूप में उनको मिले, उनका आउटपुट अच्छा मिले। ऐसा नहीं कि उन्होंने खूब काम कर दिया और उतना नहीं दे रहे हैं। यह तो एम्प्लॉयज का पहला पक्ष हो गया। एम्प्लॉयज का दूसरा पक्ष क्या है? वह चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को, दूसरे वर्कर को, दूसरे स्टाफ को जो बेनिफिट्स मिले हैं, जो पुरस्कार मिले हैं, वह उसको भी मिलना चाहिए क्योंकि उसने उतना काम किया है। वह अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है। वहीं एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट और नुकसान को देख के सोचता है कि उसको एम्प्लॉयज को कितना देना चाहिए। यह सामंजस्य है। आगे देखते हैं, आचार्य चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये भारत के प्राचीन अर्थशास्त्री, न्यायविद, राज्य रणनीतिज्ञ थे। वैसे आचार्य चाणक्य का सीरियल अगर नहीं आया होता तो किताबों में सिर्फ लोग आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं। अगर कहा जाए तो आधुनिक इतिहास में भारत ने आधुनिक विश्व के सबसे बड़े मैनेजर वही थे, सबसे बड़े मैनेजर आधुनिक इतिहास के। कैसे राजकाज करना है, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, राज्य कैसे सक्षम होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया। और अभी आचार्य चाणक्य कोई नया नाम नहीं रह गया। आज से 15-20 साल पहले, जब तक आचार्य चाणक्य का सीरियल नहीं आया था, भारत में लोग जानते ही नहीं थे। मैनेजर मतलब कार्ल मार्क्स और कोहनी को जानते थे। अब पूरी दुनिया आचार्य चाणक्य को जानने लगी है। उन्होंने सिद्धांत दिए थे कर्मचारी और नियोक्ता के संदर्भ में, किसी भी उद्यम, किसी बिजनेस, किसी राज्य की सफलता उसमें काम करने वाले लोगों पर निर्भर होती है। सीधी सी बात है, जो लोग काम करेंगे उनकी उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी। राजा की ताकत उसकी प्रजा में है, किसी भी बिजनेस की ताकत उसके एम्प्लॉयज में है। प्रोडक्ट तो ठीक है, अगर एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे आएगा? भले ही कितना मॉडर्नाइजेशन हो जाए, कितना
कितना भी आधुनिकीकरण हो जाए, लेकिन स्टाफ की अपनी अहमियत है जो कुछ कम नहीं होगी। कितनी ही चैट जीपीटी जाए, कितनी ही एआई टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन स्टाफ स्टाफ की तरह काम करेगा, मशीन अपनी तरह काम करेंगे, अच्छे प्रदर्शन को पुरस्कृत करें। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सिर्फ सरकारी ही कर्मचारियों के लिए नहीं, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी है। उन्होंने कहा है इनाम उस अंकुश की तरह है जो आसी बैल को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। खैर, यह तो एक शब्द है, लेकिन वास्तव में यह है, एक कंपनी में, एक उद्यम में 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग काम कर रहे हैं, जो उसमें से अच्छा काम कर रहा है, आप उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको इनाम दीजिए। भले ही वो इनाम बहुत बड़ी राशि नहीं होगी, लेकिन उनको एक इज्जत मिलेगी बाकी लोगों का पिक्चर, बाकी लोग उत्साहित होंगे कि नहीं, अगली बार ये पुरस्कार हमको लेना है। ऐसा ही प्राइवेट सेक्टर में होता है, सरकार में तो होता ही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़ चढ़ के इस चीज का ध्यान रख रहे हैं, और वो इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन भी कर इंटर एम्प्लॉयज कॉम्पिटिशन भी कराते हैं, कई तरह की उनकी गतिविधियां होती हैं, उनके एक जगह किस स्तर पर होती है, उनका अगर बहुत जगह पर उनके डिपार्टमेंट फैले हुए हैं तो इंटर उनके डिपार्टमेंट्स में होती है, फिर मेन जगह पर आके एम्प्लॉयज के कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें से जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है उसको मिलते हैं, खेलकूद के भी उनके प्रदर्शन होते हैं। जो राजा दुष्टों को दंड नहीं देता वह शीघ्र ही दुष्टों से घिर जाता है, सीधी सी बात है। भारत के लिए यह कोई नई चीज नहीं है, भारत को कभी कोई ताकत से हरा नहीं पाया। भारत हमारा जो प्राचीन देश है वह टूटा ही जयचंदों के कारण है, उनको छोड़ दिया जाता था, और आज भी वही हो रहा है, चाहे नियम के द्वारा हो चाहे और तरीके से हो। दुष्टों को अगर सजा नहीं दी जाएगी, जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यही स्थिति है। गलत लोगों को अगर आप बचाएंगे तो वह संस्था का नुकसान करेंगे। जो राजा न्यायप्रिय होगा उसकी सजा, उसकी प्रजा उससे प्रेम करेगी, सीधी सी बात है। सबको एक ही तरह की आंखों से देखना चाहिए, दो तरह की आंखों से नहीं, कि अपने लोग हैं तो उसको अपने तरह से देखा जाए, दूसरे लोगों को दूसरी आंखों से देखा जाए। सबको एक नजर से देखिए, सबके लिए बराबर नियम रखिए, वाकई आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपका संस्था बहुत आगे बढ़ेगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके आगे बढ़ेगा, आपका एनजीओ आगे बढ़ेगा, आपका देश आगे बढ़ेगा, आपका बिजनेस तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छे प्रबंधन के लिए संचार आवश्यक है, अभी सरकार ने भी समझा है संचार बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, लोगों के बीच में संचार व्यवस्था अच्छी हो, बातचीत अच्छी हो, इसलिए आजकल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, लोगों के साथ बैठ के बात की जाती है, सूचनाओं को प्रदान करने के लिए आजकल सभी डिपार्टमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गए हैं, या किसी ना किसी प्रकार से जो सूचना देनी जाती है तुरंत मिनटों में ही सारे एम्प्लॉयज के पास पहुंच जाती है। तो संचार बहुत आवश्यक है। नेताओं को अपने अनुयायियों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए। नेता, लीडर्स, ऑफिसर्स, ये जैसे होंगे वैसे ही उनकी एम्प्लॉय होगी। अगर गलत नेता चुनेंगे, गलत अफसर होगा, गलत राजा होगा, तो वाकई आपका राज्य, आपकी कंपनी, आपका संस्थान डूबेगी। अच्छे लोग आएंगे तो संस्था आगे बढ़ेगी। जो राजा सदाचारी है, आचार्य चाणक्य ने कितनी बड़ी बात कही, जो राजा सदाचारी है उसकी प्रजा भी सद्गुणी होगी। आज के परिदृश्य में वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारत में आज हमारे आदरणीय परम आदरणीय मोदी जी के कारण पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, पूरी दुनिया में। एक समय ऐसा था कि अरुणाचल में हमारे प्रधानमंत्री का वजह उतरने से मना कर दिया था चीन ने, आज अमेरिका ने, भारत देश ने वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर दी है। अमेरिका हाथ जोड़ रहा है, पूरी दुनिया हाथ जोड़ रही है, हर जगह मोदी जी हो रहे हैं। पाकिस्तान जो आतंकी फैक्ट्री हुआ करता था, वहां के लोग भी मोदी मोदी उनकी संसद में बोल रहे हैं। सदाचारी राजा होगा तो
सजा भी सदगुनी होगी, यही नियम है। खैर ये तो बात हो गई, लेकिन आज का जो उद्देश्य है हमारा इक्विटी बारे में, समानता के बारे में, उसमें क्या है? जी हाँ, संस्था आपकी तभी अच्छे से आगे बढ़ पाएगी जब कर्मचारियों को कुछ फायदे मिलेंगे, अतिरिक्त भत्ते सरकार और कंपनियां देती आ रही हैं, तो भाई आप दीजिए प्रोत्साहन पुरस्कार, जो अच्छा काम करते हैं उसको प्रोत्साहन दीजिए। स्वास्थ्य बीमा, लोगों के व्यक्तिगत तो स्वास्थ्य बीमे होते होते हैं, आप ग्रुप स्वास्थ्य स्कीम लीजिए, बहुत सस्ती पड़ती है। हम एनजीओ में काम करते हैं, मेरी भी यहाँ भी है, अभी अभी 2 साल से स्वास्थ्य स्कीम चालू हुई है, बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडिविजुअल में जितना फायदा मिलता है ग्रुप में ज्यादा फायदा मिलता है, और कंपनी को किसी व्यवसाय को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक साथ किसी कंपनी को इतने सारे एम्प्लॉयज मिलेंगे, फैमिली मेंबर्स मिलेंगे। सेवानिवृत्ति की योजना है, भारत सरकार भी पिछले कई सालों से प्राइवेट सेक्टर के लिए भी सेवानिवृत्ति की बहुत सारी योजनाएं लेके आई हैं। इवन जो अकुशल श्रमिक होते हैं, डिलीवरी लेबर्स होते हैं, उनके लिए भी सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन स्कीम चालू की गई है। कुछ पैसा वो देंगे, कुछ व्यवसायी देगा, उद्यमी देगा, कंपनी देगी, उन लोगों को भी सेवानिवृत्ति के समय कुछ पैसा मिले। ऐसा नहीं बुढ़ापे में एक आदमी कुछ नहीं मिले, पिछले कई सालों से चल रही है। यह अलग बात है कि अलग अलग संस्थाएं उसको लागू नहीं करती अपने आप, लेकिन अभी कुछ लोगों ने लागू करना चालू किया है। सवैतनिक अवकाश सरकारी डिपार्टमेंट में मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में मिलता है, हम लोग एनजीओ में हमको भी मिलता है। साल भर में हमको भी 30 दिन जो हमारे होते हैं सवैतनिक अवकाश मिलते हैं, नियम से मिलते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में भी चालू होने चाहिए, सरकार में तो मिलते ही है, उसमें एम्प्लॉयज को एक अपनापन महसूस होता है कि जरूरत पड़ने पर वो सवैतनिक अवकाश ले सकेगा। लचीली कार्य व्यवस्था, कुछ संस्थाओं में सरकार में इतने ज्यादा नियम होते हैं, इतने ज्यादा नियम होते हैं, इतने ज्यादा पेचीदे होते हैं कि कार्य हो नहीं पाता। सरकारी डिपार्टमेंट में लाल की तसाई की तरह फाइल घूमती रहती घूमती रहती है। हम पहले शब्द पढ़ते थे लाल की तसाई, यही है। एक छोटा सा कार्य होने में जो प्राइवेट सेक्टर में 5 मिनट लगते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में 5 घंटे नहीं 5 दिन भी लग सकते हैं। एक छोटी सी फाइल सेंक्शन होने में, चाहे वो ऑफिस के लिए कंप्यूटर की रिफिल करवानी हो, छोटी सी मशीन खरीदनी हो, उसको रिपेयर कराना हो, चाहे करोड़ों का काम हो, उससे ज्यादा कि उस दिन की एम्प्लॉयज की सैलरी हो जाती है, लेकिन वह 150 रुपये की 1000 रुपये की चीज़ नहीं आ पाती है। ये व्यवस्था दूर होनी चाहिए, नौकरी की संतुष्टि, एम्प्लॉय काम करे तो उनको लगे कि हम नौकरी कर रहे हैं, तनखा कितनी मिल रही है क्षमता के हिसाब से वो अलग बात है, नौकरी में संतुष्टि तो हो, वरना रोज खींचातानी गाली गलौज, व्यक्ति सोचता है इतने पैसे की जगह क्यों वाली सुनना है। मनोबल में सुधार, इससे मनोबल में सुधार होता है। जब एम्प्लॉयज के मनोबल में सुधार होगा कि नहीं मेरी कंपनी मेरा भविष्य है, तो वो अच्छे मन लगा के काम करेगा और कंपनी को रिजल्ट अच्छे देगा। अभी पूरी दुनिया मान रही है, सरकारें मान रही है, प्राइवेट सेक्टर तो पहले ही मान चुके हैं, जिसको अच्छी सैलरी देंगे, अच्छी सुविधा देंगे तो हमारा आउटपुट 50% से ज्यादा बढ़ जाएगा। 5% ही सैलरी ज्यादा बढ़ाएंगे लेकिन हमको 50% ज्यादा मिलेगा। स्लेवरी डायनेस्टी, गुलाम वंश, जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा विषय है। भारत गुरुकुलों का देश रहा है, यहाँ पे शिक्षक एक तरह से राजा से ऊपर का कद के लोग होते हैं। उस भारत में स्लेवरी डायनेस्टी, ये क्या बात कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का 1200 साल पुराना इतिहास लेके आ रहे हैं। जी हाँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत में लागू हो चुका है। कैसे? मैं यहाँ रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। स्लेवरी सिस्टम कैसे, एक तरफ तो शिक्षकों को ऊंचे ऊंचे पढ़े लिखे लोगों को उच्च पद मिलते, कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो इलेक्शन होता है उसमें अनपढ़ गवार
जरा कोई नेता भी पढ़ के इलेक्शन में जीत के नेता बन जाता है और आईएएस अफसर के ऊपर राज करता है, बुरे नहीं होते हैं, लेकिन उनके नीचे जो कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो उनको चलाते हैं, कहाँ से पैसे खाना है, क्या करना है, वो गलती करते हैं और 4-5 साल बाद बाहर हो जाते हैं बेचारे नेता लोग। कर्मचारी को कुछ नहीं होता, उनको सारे नियम पता होते हैं, वो बच जाते हैं, उनको मालूम है नेता 5 साल खा रहा है, पकड़ा जाएगा, जेल चला जाएगा। आईएएस ऑफिसर जेल नहीं जाता, बच जाते हैं, लेकिन रेशो कितना होता है, जब 100 में हम भाग देंगे तो पता लगेगा कि वो सब एक भी नहीं होता, नेता बेचारे फंसते रहते हैं सत्ता बदलने पर। तो स्लेवरी सिस्टम ना लाए हम लोग, डिपार्टमेंट में भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद छोड़कर पढ़े लिखे लोगों को आगे लेकर आइए, अच्छे लोगों को लेकर आइए जो एजुकेशनली क्वालिफाइड हों, शैक्षणिक रूप से अच्छे हों, वो जब आएंगे आगे तो आपको एक अच्छा फायदा देंगे, ना कि जात पात के हिसाब से, क्षेत्रवाद के हिसाब से, परिवार के हिसाब से जात के लोगों को आगे बढ़ा दीजिए आप, चाहे वो सरकार हो चाहे निजी क्षेत्र हो। स्लेवरी डायनेस्टी से बचना चाहिए। विगत कुछ दशकों में हर जगह असमानता बढ़ गई है, सुविधाओं में अंतर आ गया है, एक कैडर में लोग काम करते हैं और कुछ सुविधा मिलती है, उससे थोड़ा सा नीचे कैडर आता बहुत कम हो जाता है। यह देखा गया है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करते हैं डिपार्टमेंट में, खासकर सरकार में, उनको ज्यादा कार्य मिलता है, और जो लोग कम कार्य करते हैं उनको काम नहीं दिया जाता है। डिपार्टमेंट ये बोलता है अरे वो तो काम ऐसे नहीं करता है, निकाल उसको सकते नहीं, गाली बकी कर, क्या मतलब है, क्यों भाई, किसी ने ठेका थोड़ी लेकर रखा है काम करने का। जो आदमी काम कर रहा है उसे प्रोत्साहन दीजिए, उसको प्रमोशन दीजिए, उसको तनख्वाह बढ़ाइए, और जो नहीं कर रहा है उसको अपनी इशू कीजिए, ताकि काम करने वाला आदमी और ज्यादा काम करे। कार्य क्षेत्र में राजनीति होती है उससे दूर रहिए, दूर कीजिए, खैर आप ज्यादा कार्य दे देंगे तो आदमी राजनीति की जगह ही नहीं रह पाएगी। परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद होता नहीं है लेकिन बहुत होता है, मैं जहाँ काम करता हूँ वहां भी होता है, हमारे यहाँ भी 3 से 32 को आदमी बड़े बड़े डिप्टी डायरेक्टर के रेंज तक पहुंच जाता है, लेकिन हम जैसे आदमी जो एमकॉम एमबीए पीजीटी से करके बैठा हुआ है वो जिस पोस्ट पे क्लर्क में भर्ती हुआ वहीं रिटायर हो जाएगा, तो उसमें बोलने बुराई नहीं है, ऐसा हमारी जगह नहीं होता, बहुत जगह होता है, प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा होता है, एनजीओ में ऐसा होता है, सरकार में तो नहीं होता, सरकार में तो रिजर्वेशन सिस्टम है, लेकिन मैंने बोल दिया रिजर्वेशन में बात नहीं कर रहे हैं, हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट और इक्विटी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनियों को बिजनेसेस को सरकार को इस चीज से आगे उठना चाहिए। इसका नुकसान क्या है, कार्य क्षमता में कमी आती है, आप अच्छे लोगों को प्रमोशन नहीं देंगे, गलत लोगों को दंडित नहीं करेंगे, कार्य क्षमता में कमी आएगी, आउटपुट में कमी आएगी, असमानता बढ़ेगी, धीरे धीरे लोग परेशान होंगे, जब आदमी का मनोबल कम होगा तो आउटपुट भी कम होगा, फिर अच्छा एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं बाहर जाने की सोचेगा, और ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं है, जिसके पास अनुभव है वह बाहर जाता है तो संस्था का बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। डिपार्टमेंट को जरूर लगता है कि हमारा एक एम्प्लॉय कम हो गया, सीनियर एम्प्लॉय कम हो गया, इसलिए हम 3 आदमी रख लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनुभव एक आदमी के जाने से 10 आदमी का नुकसान हो जाता है डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसका अनुभव कंपनी को बहुत फायदा देता है, उसके जाने के बाद वह 10 लोग की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अब तो सरकार और संस्थान खुद कहने लगी है अच्छा कार्य अच्छा वेतन, अच्छी सुविधा ज्यादा है, सरकार ने भी माना है। अभी क्यों भारत में पढ़े लिखे लोग, जो टैलेंटेड लोग हैं, उसका 70% बाहर चला जाता है, अमेरिका में, यूरोप में, क्या अधिकतर देशों में बड़े से बड़े डॉक्टर्स, बड़े से बड़े इंजीनियर्स, बड़े से बड़े साइंटिस्ट भारतीय हैं, क्यों?
ऐसा नहीं कि उनको भारत में नौकरी मौका नहीं मिला, मौका मिला, लेकिन उनको भविष्य बाहर अच्छा दिखाई दिया कि बाहर पैसा अच्छा मिलेगा, बाहर का राजनीति ज्यादा हो, तो बाहर चले गए। ऐसे लोगों को लेके आइए, उनकी क्षमता के साथ उनको पैसा दीजिए, बाजार में जो उनकी मांग चल रही है उसके हिसाब से उनको पैसा दीजिए, सुविधाएं दीजिए, वो वापस भारत में आएंगे। अपने कुशल श्रमिकों को, अधिकारियों को बाहर मत जाने दीजिए, उनको अपने पास रखिए, वो आपके पास रहेंगे, ज्यादा हुआ। आज का विषय हमारा यही था। देखिए फिर न्यूज़पेपर में जो खबर छपी थी, जो अच्छा कार्य करेगा उसको अच्छा वेतन देंगे तो बिजनेस भी आपका अच्छा होगा, सरकार मानने लगी है। आप भी कोशिश कीजिए अपने डिपार्टमेंट में अच्छे लोगों को प्रोत्साहन दीजिए, सीनियर्स को जाने मत दीजिए, आपको लगेगा उनका अनुभव आपके लिए बहुत काम आएगा। कल फिर किसी विषय पर हम आएंगे। धन्यवाद।